subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sarabd Sattar Khan 11th English 1.1 Being Neighborly. हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए. अब वेंट अ हैंडफुल ऑफ सॉफ्ट स्नो एंड द हेड टर्न्ड एट वंस, यानी ऊपर की तरफ मैंने उठाया और जो बर्फ़ का गोला था उसे फेंका. एंड द हेड टर्न्ड एट वंस, अचानक वो जो सर था वो मुड़ा. शोइंग अ फेस विच लॉस्ट इट्स लिस्टलेस, और उसमें एक चेहरा नज़र आया जिस जो लिस्ट लेस था, यानी जिसमें कोई एनर्जी नहीं थी, लैक ऑफ एनर्जी था. लुक इन अ मिनट एज द बिग आइज ब्राइटन एंड द माउथ बिगैन टू स्माइल, तो जैसे ही उसने देखा तो उसमें बड़ी बड़ी आंखें चमकने लगी और वो मुस्कुराई. जो नॉडेड एंड लाफ्ड एंड फ्लरिश्ड हर ब्रूम एज शी कॉल्ड आउट, जो ज़ोर से जो खुश हो गई और उसने ज़ोर ज़ोर से वेव्ड फ्लरिश्ड वेव्ड समथिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन. उसने क्या किया, उसके हाथ में जो झाड़ू था उसे ऊपर लहराया और हिलाने लगी. हाउ डू यू डू, आर यू सिक, तुम कैसी हो, क्या तुम बीमार हो. लॉरी ओपन्ड द विंडो एंड क्रैक्ड आउट एज होसली एज अ रेवन, लॉरी ने खिड़की खोली और उसने अपना चेहरा बाहर निकाला और देखने लगी. बेटर थैंक यू, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड बीन शट अप अ वीक, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी ठीक हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी इसलिए एक हफ्ते से बंद थी. आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विथ, उसने कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप अपने तौर पर क्या सोच सकती हो. नथिंग, इट्स एज डल एज टॉम्स, एज डल एज टॉम्स, यानी उससे वो कहने लगी कि ये वैसा ही है जैसे कि कोई एज डल एज टॉम्स. यहाँ पर एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, सिमिली, यानी वेयर टू डिससिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड विथ, यानी कोई किसी मकबरे की तरह, किसी मीनार की तरह, अगर आप खामोश है वैसा ही उसने वहाँ बयान किया. डोंट यू रीड, क्या तुम पढ़ती नहीं हो. नॉट मच, दे वोंट लेट मी, ज़्यादा नहीं मुझे वो पढ़ने नहीं देते. कांट समबडी रीड यू, क्या कोई तुम्हें पढ़ाता नहीं या कोई तुम्हें नहीं पढ़ता. ग्रैंडपा डज समटाइम्स बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम एंड आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम, लेकिन मेरे जो दादा जान हैं तो वो ग्रैंडपा डज समटाइम्स, ग्रैंडपा यानी बाज़ वक़्त पढ़ा देते हैं, बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम, लेकिन मेरी जो किताबें हैं उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं. एंड आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम, लेकिन मैं ब्रूक को हमेशा पूछने में अपनी बेइज्जती महसूस करती हूँ, बार बार क्यों पूछूँ. हैव समवन कम एंड सी यू देन, क्या कोई तुम्हारे पास आया था तुमसे मिलने के लिए. देयर इजंट एनीवन आई'ड लाइक टू सी, बॉयज़ मेक सच अ रो एंड माय हेड इज़ वीक, कोई भी नहीं आया था और आई वुड लाइक टू सी बॉयज़ मेक सच अ रो एंड माय हेड इज़ वीक, लड़के बहुत ज़्यादा शोर गुल करते हैं और मेरा जो जहन है वो या मेरा दिमाग जो है थोड़ा कमज़ोर हो गया है. Isn't there some nice girl who'd read and amuse you, girls are quiet and like to play nurse, क्या कोई लड़की नहीं है जो तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाए, या फिर लड़कियां वैसे भी खामोश होती हैं और काफ़ी नर्स करना यानी मददगार भी साबित होती है, किसी किस्म की मदद करने के लिए तैयार होती है. डोंट नो एनी, मैं किसी को नहीं जानती. यूनस बिगैन जो देन लाफ्ड एंड स्टॉप्ड, वो कहने लगी क्या तुम हमें जानती हो, जो ने बोलना शुरू किया और फिर उसके बाद हंसने लगी और फिर खामोश हो गए. सो आई डू, विल यू कम प्लीज, सेड क्राइड लॉरी, यानी लॉरी ने कहा कि क्या तुम आओगी और फिर वो रोनी आवाज़ में उसने कहा, आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम इफ मदर विल लेट मी, मैं खामोश नहीं हूँ और बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन मैं आऊँगी अगर माँ ने इजाज़त दी. आई विल गो आस्क हर, मैं माँ के पास जाऊँगी और उनसे दरख्वास्त करूँगी, उनसे पूछूँगी. शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो, लाइक अ गुड बॉय एंड वेट टिल आई कम, और इंतज़ार करो जब तक कि मैं एक बेहतर लड़की की तरह जब तक कि मैं आ जाऊँ. विथ डैट जो शोल्डर्ड हर ब्रूम एंड मार्च्ड इनटू द हाउस, उसके बाद जो ने अपना जो झाड़ू था वो अपने कंधे पर लहराया
और वो घर की तरफ चल दी, वंडरिंग व्हाट दे वुड ऑल से टू हर, और वो परेशान थी या ताजुब में थी कि सब उससे क्या कहेंगे। लॉरी वॉज इन अ फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट एट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी। लॉरी बहुत खुश था, उसे लगा था कि कोई उसके साथ ही मिल गया है। एंड फ्लू अबाउट टू गेट रेडी फॉर, एज मिसिस मार्च सैड, ही वॉज अ लिटिल जेंटलमैन एंड डिड ऑनर टू डू टू द कमिंग गेस्ट बाय ब्रशिंग हिज कर्ली पेट, पुटिंग ऑन अ फ्रेश फ्लो कलर एंड ट्राइंग टू डू टाइडी अप द रूम विच इन स्पाइट ऑफ हाफ अ डजन सर्वेंट्स वॉज एनीथिंग बट नीट। प्रेजेंटली देयर केम अ लाउड रिंग, देन अ डिसाइडेड वॉइस asking for Mr. Lorry, and a surprised looking servant came running up to announce a young lady. अब यहाँ पर क्या हुआ कि उनके पास आधा दर्जन के करीब मुलाजिम थे, लेकिन Lorry बहुत खुश था कि कोई उनके घर में आ रहा है, क्योंकि मिसिस मार्च जो थी वो उसे एक लिटिल जेंटलमैन यानी एक छोटा सा शरीफ आदमी बोलकर पुकारती थी। जब मिस्टर Lorry से बात करने के लिए कोई आया तो जो सर्वेंट्स थे वो नीचे गए, और यहाँ पर एक नौजवान लड़की को देखकर वो परेशान हो गए, हैरान हो गए। ऑल राइट शो हर अप, इट्स मिस जो, हाँ ठीक है ये मिस जो है, इन्हें ऊपर ले जाइए, सैड Lorry। Lorry ने कहा, गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो, वो दरवाजे के करीब गया और वहाँ पर जो से मिलने लगा, हु अपीयर्ड लुकिंग रोजी एंड क्वाइट एट हर ईज विद अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड बेथ्स थ्री किटन्स इन द अदर, और वो थोड़ी सी खुशनुमा नज़र आ रही थी, खामोश भी थी, लेकिन विथ अ कवर्ड डिश इन वन हैंड, उसके हाथ में एक तय की हुई यानी एक डिश थी जिसे ढापा हुआ था, और दूसरे हाथ में तीन बिल्ली के बच्चे थे जो बेथ के थे। हियर आई एम बैग एंड बैगेज, ही सेड ब्रिस्कली, और उसने कहा मैं हूँ, मेरे पास बैग है, बैगेज यानी अपना पूरा बोरिया बिस्तर वो लपेट के आ गई थी। अब ये बैग एंड बैगेज एक टाइप का फ्रेज है, महावरा है। मदर सेंट हर लव एंड वॉज ग्लैड इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, माँ ने बहुत सारा प्यार दिया है और वो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी तो ये मेरे लिए इज्जत की बात होगी। मैग वॉन्टेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ हर ब्लैंक मैंज, और माँ ने मैग ने कहा है कि मैं उनके लिए कुछ ब्लैक मैज यानी कि एक किस्म की बादाम की बनी हुई एक पुडिंग होती है, दूध की पुडिंग जिसे ब्लैक मैज कहते हैं, वो ले आऊँ। शी मेक्स इट वेरी नाइसली एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कम्फर्टिंग, और उसके बाद में वो कहने लगी कि बेथ जो कहती है कि उनकी जो बिल्लियां हैं वो बहुत आराम देती है। आई न्यू यू वुड लाफ एट देम बट आई कुडंट रिफ्यूज, शी वॉज सो एंक्शियस टू डू समथिंग, लेकिन तुम तो जानते हो कि मुझे बड़ी हंसी आ रही थी और शायद तुम भी हंसोगे। आई कुडंट रिफ्यूज, मैं इनकार ना कर सकी। शी वॉज सो एंक्शियस टू डू समथिंग, वो इतनी एंक्शियस थी कि इस किस्म का कोई काम कर सके, यानी यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मैग दोहराने के लिए जो दोहराने के लिए आई थी, जो मैग ने और उसकी मदर ने बयान किए थे। इट सो हैपन डैट बेथ्स फनी लोन वॉज जस्ट द थिंग फॉर इन लाफिंग ओवर द किड्स, Lorry फॉरगॉट हिस बैशफुलनेस एंड ग्रीव सोशिएबल एट वंस। ये बैशफुलनेस क्या है, शायनेस यानी कि जिसमें आप थोड़े शर्मीलेपन से पेश आते हैं, लेकिन बेथ का जो फनी लोन था जो उसने बिल्लियां भेजी थी वो देखकर वो बहुत खुश हो गया था, हंस भी रहा था, और किटन्स को देखकर वो काफ़ी सोशिएबल भी हो गया था, सामाजिक तरीके से पेश आ रहा था। डैट लुक्स टू प्रेटी टू ईट, ही सैड स्माइलिंग विथ प्लेजर, सो एज जो अनकवर्ड द डिश एंड शोड द ब्लैंक मैंज सराउंडेड बाय अ गार्लैंड ऑफ ग्रीन लीव्स एंड स्कारलेट फ्लावर्स ऑफ एमिस पेट ग्रेनियम। अब जो कवर्ड चीज़ जो लेकर आई थी वो बहुत ही ख़ास थी, वो बहुत ही खाने के लिए अच्छी लग रही थी, जो क्या थी वो जो ने लाई हुई चीज़ वो ब्लैक मैज थी यानी कि एक टाइप की पुडिंग थी जिसमें बादाम और दूध से बनाई हुई पुडिंग थी जिसमें अंडे भी डाले जाते हैं, और उसे हरी पत्तियों से सजाया गया था,
कुछ स्कारलेट के फ्लावर भी इसके आजू बाजू रखे गए थे और फ्लावर्स ऑफ एमिस पेट ग्रेनियम। और ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो उन तमाम चीज़ों को सजा कर इसलिए भेजा गया था ताकि उसे देखकर लॉरी खुश हो जाए। इट इज़न्ट एनीथिंग, ओनली दे ऑल फेल्ट काइंडली एंड वांटेड टू शो इट, टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर। और ये ऐसी बात थी कि वो बहुत ही रहमदिली से पेश आते या फिर दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर योर टी, कि यानी कि वो चाय का जो मर्तबान लाना चाह रहे थे उसके लिए उठाए और बाजू रख दे। इट्स सो सिंपल यू कान ईट, ये बहुत सादा है, बहुत साफ़ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पी सकते हैं। एंड बींग सॉफ्ट इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग यूर सोर थ्रोट, वट अ कॉजी रूम दिस इज़। और ये बहुत ही नर्म है और ऐसा लगता है कि ये आपके सोर थ्रोट से यानी आपके तुरश हुए हुए गले से ये आगे जा रहे है। और ये बहुत ही वट अ कोज़ी रूम दिस इज़, यानी ये कितना ख़ास। अब देखिए कोज़ी रूम दिस इज़ यानी यहाँ पर एक किस्म की ये बयान मिलता है जिसमें किसी ख़ासियत का बयान है। वट अ कोज़ी रूम दिस इज़ यानी कितना ख़ास ये लम्हा है जिसे यहाँ पर बयान किया गया है। इट माइट बी फिट की इट वॉज केप्ट नाइस बट द मेड्स आर लेजी एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक देम माइंड इट वरीज मी एनफ, यानी जिस कमरे में लॉरी रहता था उसमें जो नौकर थे उसे बहुत साफ रखने की कोशिश करते थे लेकिन वो फिर भी नौकरों की जो काहली है सुस्ती पर परेशान था, वरी था। आई विल राइट इट अप इन टू मिनट्स फॉर इट ओनली नीड्स टू हैव द हर्थ ब्रश्ड सो एंड द थिंग्स मेड स्ट्रेट ऑन द मेंटल पीस सो एंड द बुक्स पुट हियर एंड द बॉटल्स देयर एंड यूर सोफा टर्न फ्रॉम द राइट एंड द पिलोज प्लम्ड अप टू बेड नाउ देन यू आर फिक्स्ड, यानी इसमें कुछ चीज़ें दुरुस्त करने की थी, दो ही मिनट लगेंगे ऐसा कहा, जिसमें जो हर्थ है यानी जिसमें भट्टी जलाई जाती है, गर्मी की जाती है, उसे थोड़ा ब्रश किया जाना चाहिए, साफ़ किया जाना चाहिए और मेंटल पीस को दुरुस्त किया जाना चाहिए, किताबें सही जगह रखी जाए, बोतल भी सही जगह रखा जाए, सोफ़ा और लाइट का इंतज़ाम और उसके अलावा जो पिलोज़ है, तकिए है, वो भी सही जगह पर रखे जाए। एंड सो ही वॉज फॉर एज शी लाव्ड एंड टॉक्ड जो हैड विज्ड थिंग्स इन टू प्लेस एंड की वन वर्ड। अब इसमें जो ने अपनी जो बात बयान की थी वो बयान बहुत ही ख़ास है। विज्ड टुक और मूव्ड समटाइम और समथिंग समवेयर सडनली एंड क्विकली, यानी जो ने जो काम बड़ी तेज़ी से जो बहुत आहिस्ता से हो रहा था उसे बहुत तेज़ी से करना शुरू किया, चीज़ को फौरी ने उठाकर वो खामोशी से एक जगह से दूसरी जगह रख देती। प्लेस एंड गिवन क्वाइट अ डिफरेंट एयर टू द रूम, और उसने पूरे रूम का नक्शा ही बदल दिया। लॉरी वॉच्ड हर इन रेस्पेक्टफुल साइलेंस एंड व्हेन शी बिकर्ड हिम टू हिज सोफा ही सैट डाउन विद अ साई ऑफ सेटिस्फेक्शन सेइंग ग्रेटफुली। जब ये तमाम काम से जो फारिग हो गई तो लॉरी ने उसे देखा, एक किस्म की इज्जत उसके दिल में आ गई थी, खामोशी से उसे देख रहा था और सोफे पर बैठते हुए उसने इत्मीनान की सांस ली। हाउ काइंड यू आर, यस दैट्स व्हाट इट वांटेड, नाउ प्लीज़ टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू अम्यूज़ माई कंपनी। उसने कहा कि तुम हाउ काइंड यू आर, तुम कितनी रहम दिल हो और मुझे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी मुझे मिले, वो बड़ी चेयर में बैठ, नाउ प्लीज़ टेक द बिग चेयर, बड़ी चेयर में बैठ जाइए एंड लेट मी डू समथिंग टू अम्यूज़ माई कंपनी, और मुझे खिदमत का मौका दीजिए। नो आई केम टू अम्यूज यू शैल आई रीड अलाउड एंड जो लुक्ड अफेक्शनेटली टुवर्ड्स सम इनवाइटिंग बुक्स नियर बाय, यानी जो वहाँ पर आई थी उसे शायद वो हैरान कर देती और हैरान करने के लिए उसने क्या किया कि मैं ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ पढ़ना चाहती हूँ और वो अफेक्शनेटली उसकी तरफ देखने लगी और उन किताबों को भी घूरने लगी। थैंक यू आई हैव रीड ऑल दोज एंड इफ़ यू डोंट माइंड आई रादर टॉक, आंसर्ड लॉरी। उसने कहा कि शुक्रिया, आई हैव रीड ऑल दोज, मैंने ये तमाम पढ़ चुका हूँ और अगर तुम्हें परेशानी ना हो, तुम बुरा ना मानो, तो मैं इसके ऊपर तुम्हें
एक पूरा बयान दे सकता हूँ, इसका रिव्यू सुना सकता हूँ, इसके बारे में बोल सकता हूँ। नॉट अ बिट आई विल टॉक ऑल डे इफ़ यू विल ओनली सेट मी गोइंग। उसने कहा कि मैं पूरा दिन तुमसे बात कर सकती हूँ अगर तुम चाहो इस बारे में। ओनली सेट मी गोइंग, बेथ सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। और बेथ कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं जानती कि कब रुकना चाहिए। इज बेथ द रोजी वन हु स्टेज एट होम गुड डील एंड समटाइम्स गोज आउट विद अ लिटिल बास्केट, आज लॉरी विद इंटरेस्ट। इन्हें बेथ के बारे में लॉरी ने पूछना शुरू किया कि ये गुलाबी रंगत के जो है वो बेथ है और वो कुछ एक छोटी बास्केट लेकर अक्सर बाहर जाती है। यस डैट्स बेथ, शी इज़ माई गर्ल एंड अ रेगुलर गुड वन, शी इज़ टू। तो यहाँ पर जो ने कहा कि हाँ बेथ वही है, वो मेरी लड़की है यानी मेरी बहन, एंड अ रेगुलर गुड वन, शी इज़ टू। द प्रेटी वन इज़ मैग एंड द कर्ली हेड वन इज़ एमी आई बिलीव। तो उसने कहा कि जो खूबसूरत है वो मैग है और जो कर्ली हेयर वाली है वो एमी है, मुझे यकीन है। हाउ डिड यू फाइंड डैट आउट। जो ने पूछा कि तुमने ये सब चीज़ें कैसे पता कर ली। लॉरी कहता है कलर्ड अप। उसने कहा कि मैंने इन तमाम चीज़ों को क्या किया था, कलर्ड अप किया यानी ब्लश्ड, लुकड अ बिट शाई और एम्ब्रेस्ड, यानी वो गेस किया था उसने। हाँ बट आंसर्ड फ्रेंकली, व्हाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर एंड व्हेन आई एम अलोन अप हियर आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट। यानी लॉरी ने कहना शुरू किया कि तुम लोग अक्सर आपस में बातें करती हो और बातें करके नाम से बुलाती हो, तो मुझे सुनने में आ गया और मैंने पहचान लिया। यू ऑलवेज सीम टू बी हैविंग सच गुड टाइम्स, आई बेग यूर पार्डन फॉर बींग सो र्यूड, बट समटाइम्स यू फॉरगॉट टू पुट डाउन द कर्टेन एट द विंडो वेर द फ्लावर्स आर एंड वेन द लैम्प्स आर लाइट एंड इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर टू सी द फायर एंड यू ऑल अराउंड द टेबल विथ योर मदर। वो तमाम बहनें, चाहे मेग हो, बेथ हो, जो हो या एमी हो, वो सब अपनी माँ के साथ जब बैठती है तो उन्हें वो देखता है, वो चाहता है कि उनकी, चाहे वो तस्वीर की तरफ देखे, रोशनी करे या खाने के टेबल पर बैठ जाए, तो सब माँ के साथ बैठती भी है तो उसे नज़र आ जाती है। हर फेस इज़ राइट अपोजिट एंड इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स। उसका जो चेहरा था वो सामने की तरफ था और वो फूलों के पीछे से बहुत खुशनुमा नज़र आ रहा था। आई कांट हेल्प वॉचिंग इट, आई हैवन्ट गॉट एनी मदर यू नो। एंड लॉरी पोक्ड द फायर टू हाइड अ लिटिल ट्विस्टिंग ऑफ द लिप्स दैट ही कुड नॉट कंट्रोल। ट्विचिंग यानी कि ट्रेम्बलिंग, लरसती हुई आवाज़, दांतों का बजना। लॉरी ने जब कहा कि मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, लेकिन आई हैवन्ट गॉट एनी मदर, मुझे माँ नहीं है, तुम जानती हो। और ये कहते हुए उसके दांत बजने लगे और उसके होंठ कपकपाने लगे, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। द सॉलिटरी हंग्री लुक्स इन हिज आइज वेंट स्ट्रेट टू जोज वार्म हार्ट। शी हैड बीन सो सिंपली टॉट दैट देर वॉज नो नॉनसेंस इन हर हेड एंड एट 15 शी वॉज एन एज इनोसेंट एंड फ्रैंक एज एनी चाइल्ड। लॉरी वॉज सिक एंड लोनली एंड फीलिंग हाउ रिच शी वॉज इन होम एंड हैप्पीनेस, शी ग्लैडली ट्राइड टू शेयर इट विथ हिम। हर फेस वॉज वेरी फ्रेंडली एंड हर शार्प वॉइस अनयूजुअली जेंटल एज शी सैड। लॉरी ने भी जब उसकी भूखी आँखों में देखा कि वो ममता के लिए तरस रही है, तो उसके दिल में एक किस्म की गर्माहट थी, वो एक किस्म की तसल्ली देना चाह रही थी ताकि उसे दिलासा मिल जाए। लॉरी को जो इस किस्म के से पेश आ रही थी, उसने भी देखा, एंड एट 15 और 15 साल की थी, शी वॉज इनोसेंट एंड फ्रैंक, वो बहुत ही मासूम थी और मुँह फट थी, सामने से बोलने वाली थी, बातूनी थी। लॉरी वॉज सिक एंड लोनली, लॉरी बीमार था, अकेला था, एंड फीलिंग हाउ रिच शी वॉज इन होम एंड हैप्पीनेस, और वो समझ रहा था कि वो कितनी अमीर है, शायद उसे खुशियाँ सब मिलती है, उसके एहसास कितने अच्छे हैं। शी ग्लैडली ट्राइड टू शेयर इट विथ हिम, हर फेस वॉज वेरी फ्रेंडली एंड हर शार्प वॉइस यूजुअली जेंटल एज शी, और उसकी बातों में एक किस्म की नरमाई थी। वी विल नेवर ड्रॉ डैट कर्टन एनी मोर एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक, आई जस्ट विश
Though instead of peeping, you'd come over and see us. Mother is so splendid. She would do you heaps of good. And Beth would sing to you if I begged her to. And Emmy would dance. Meg and I would make you laugh over our funny stage properties. And we'd have jolly times. Wouldn't your grandpa let you? यानी यहाँ पर जो ने डायरेक्ट लॉरी को दावत दे दी कि वो उनके घर में आ जाए, या फिर वो कर्टेन यानी पर्दा नहीं गिराने की बात करने लगी, तुम्हें झांकने की भी ज़रूरत नहीं, मेरी वालदा भी बहुत अच्छी है और बेथ तुम्हारे लिए गाना गा सकती है, एमी डांस कर सकती है, मेग और मैं बहुत फनी जोक्स बोलते हैं, क्या तुम्हारे दादा जान तुम्हें आने देंगे? आई थिंक ही वुड इफ़ यूर मदर आस्क्ड हिम, मुझे लगता है कि वो करेंगे अगर तुम्हारी माँ से कहे. ही इज़ वेरी काइंड दो ही डज नॉट लुक सो एंड ही लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक प्रेटी मच. ओनली ही इज़ अफ्रेड आई माइट बी अ ब्रदर अ बोदर टू स्ट्रेंजर्स बिगेन लॉरी ब्राइटनिंग मोर एंड मोर. यानी लॉरी ने यहाँ पर अपनी दिल की बात बोल दी कि अगर तुम्हारे दादा जान कहेंगे, तुम्हारी माँ कहेंगी, तो मेरे दादा जान बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे और वो डराते भी नहीं हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मैं शायद स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों पर बोझ बन जाऊँ, इसीलिए रोकते हैं. वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर नेबर्स. यहाँ पर जो ने कहा कि हम अजनबी नहीं हैं, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, वी आर नेबर्स, हम पड़ोसी हैं. एंड यू नीडेंट थिंक यूड बी अ बोदर, और तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम किसी किस्म का बॉदरेशन है, परेशान करने वाले हो. वी वॉन्ट टू नो यू, हम तुम्हें जानना चाहते हैं. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इट दिस एवर सो लॉन्ग, अब मैं करना चाहती हूँ बहुत दिनों पहले से. वी हैवन्ट बीन हियर अ ग्रेट व्हाइल यू नो, बट वी हैव गॉट एक्वेंटेड विथ ऑल आवर नेबर्स बट यू. हम ये बहुत दिनों से करना चाहते थे, लेकिन हम हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ हमारी मुमासिलत नहीं जमी, तुम्हारे साथ बेहतर हमारे रवाबित नहीं रहे जो कि दूसरे पड़ोसियों के साथ है, क्योंकि तुम कम ही मिलते हो. यू सी ग्रैंडपा लिव्स अमंग हिज बुक्स एंड डजंट माइंड मच व्हाट हैपन्स आउटसाइड. तुम जानती हो कि हमारे जो दादा जान है वो किताबों में गर्क रहते हैं और दुनिया की रानाइयों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है. मिस्टर ब्रुक माई ट्यूटर, मिस्टर ब्रुक जो है वो मेरे ट्यूटर है, टीचर है, डजंट स्टे हियर, वो यहाँ नहीं रहते. यू नो एंड आई हैव नो वन टू गो आउट अबाउट विथ मी. और तुम जानती हो कि मेरे साथ कोई नहीं है मैं जिनके साथ बाहर जा सकूं. आई जस्ट स्टॉप एट होम एंड गेट ऑन सो आई कैन, इसलिए मैं घर पर ही होता हूं जैसा कि मुझे रहना चाहिए. डैट्स बैड, अब उसने कहा कि ये तो बहुत बुरी बात है. यू आउट टू मेक एन एफर्ट एंड गो विजिटिंग एवरीवेयर यू आर आज, देन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स एंड प्लीजेंट प्लेसेस टू गो टू. तो तुम्हें एक जगह रुककर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें बहुत सारी जगह घूमना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए और जगह जगह जाना चाहिए ताकि तुम्हें एक किस्म का मज़ा आए. नेवर माइंड बीइंग बैशफुल, इट वोंट लास्ट लॉन्ग इफ़ यू कीप गोइंग. और तुम्हें किसी भी किस्म का परेशानी नहीं उठाना चाहिए बाहर जाने में, घूमने में. अगर तुम बोदर होते हैं, अगर परेशान होते हैं, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी मशक्क़त का काम होगा, परेशानी की बात होगी. लॉरी टर्न्ड रेड अगेन, लॉरी का चेहरा सुर्ख हो गया. बट वॉजंट ऑफेंडेड एट बीइंग एक्यूज्ड ऑफ बैशफुलनेस, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो एक तरफा कोई बात कहता है. For there was so much goodwill in Joe, it was impossible not to take her blunt speeches as kindly as they were meant. तो यहाँ पर जो कि तमाम बातें थे, चाहे वो नामुमकिन सी बात हो, लेकिन उसकी जो ख़तरनाक तकरीरें थी, बातें थी, वो बहुत ही नरमाई से उसके दिल में उतर गई और उसका मतलब उस लॉरी को साफ साफ समझ में आ रहा था. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.